तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 में आने वाली बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में सलमान खान के राधे और अक्षय कुमार के सूर्यवंशी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन के बारे में। और आपको बताएंगे दोस्तों कि सलमान खान के राधे और अक्षय कुमार के सूर्यवंशी में कौन सी फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करेगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि राधे और सूर्यवंशी में आपको किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के बारे में, तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा ने और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। साथ ही साथ इस फिल्म में हमें मेघा, आकाश, दिशा पटानी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ जैसी बहुत सारी बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलेगी। बता दो दोस्तों सलमान खान की फिल्म राधे का एक नया पोस्टर अभी दो दिन पहले रिलीज हुआ और एक पोस्टर ने ही फिल्म का जो बज़ है वो कई गुना बढ़ा दिया था। अब दोस्तों आपको बता दें कि राधे फिल्म रिलीज की जाएगी ईद के मौके पर, यानी कि फिल्म को 13 मई को रिलीज किया जाना है। तो दोस्तों सलमान खान एक ऐसा नाम है जिनके नाम से ही सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती है टिकट खरीदने के लिए। और दोस्तों इस बार सलमान खान ईद के मौके पर आ रहे हैं तो सभी को उम्मीदें हैं कि सलमान खान की राधे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कमाल की कमाई कर सकती है। और दोस्तों ऐसा ही बिल्कुल होने वाला है, सलमान खान के राधे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई तो करेगी, लेकिन दोस्तों राधे फिल्म के सामने यहाँ पे दो बड़ी मुश्किलें हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि राधे फिल्म के साथ में जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 भी रिलीज हो रही है। इसके अलावा साउथ की एक बड़ी फिल्म मरक्कर भी रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे सत्यमेव जयते 2 और मरक्कर के रिलीज होने के कारण सलमान खान की फिल्म राधे को रिलीज होते ही शायद स्क्रीन कम मिले। जी हाँ दोस्तों वैसे तो अगर राधे फिल्म सोलो रिलीज होती तो राधे फिल्म को मिनिमम 4,500 स्क्रीन इंडिया में मिलती, लेकिन दोस्तों राधे के साथ मरक्कर और सत्यमेव जयते 2 दो फिल्में रिलीज हो रही है तो उम्मीद की जा सकती है कि राधे फिल्म को मिनिमम 3,500 स्क्रीन तो जरूर मिलेगी। तो दोस्तों 3,500 स्क्रीन पर राधे फिल्म अपने पहले दिन कम से कम, जी हाँ दोस्तों कम से कम 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। और फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो फिर कितना होता है, 200 करोड़, 250 करोड़ या 300 करोड़, ये सब कुछ डिपेंड है फिल्म के रिव्यूज पे। अगर फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिल गए तो फिल्म 300 करोड़ भी कमा सकती है, लेकिन अगर राधे फिल्म को खराब रिव्यूज मिले तो सलमान खान की पिछली फिल्म दबंग 3 की तरह शायद राधे फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल से 200 करोड़ के आसपास की कमाई कर पाए। वही दोस्तों अब अगर बात करें सूर्यवंशी के बारे में, तो दोस्तों सूर्यवंशी जो कि एक कॉप एक्शन ड्रामा फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट किया है मास डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने और इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार और उनके साथ कैटरीना कैफ तो हमें लीड रोल में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह इन दोनों का भी एक बड़ा कैमियो होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सूर्यवंशी फिल्म 2021 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है। अब ये फिल्म पिछले साल यानी कि 2020 में 24 मार्च को रिलीज हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ती रही, लेकिन फाइनली आज अनाउंसमेंट हो चुकी है कि सूर्यवंशी फिल्म अब जाकर 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। तो दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि सूर्यवंशी फिल्म जो 30 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है, इस फिल्म के साथ में बॉलीवुड की कोई भी फिल्म क्लेश नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सोलो रिलीज होगी। अब दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग क्यों लेगी, इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। सबसे पहली वजह तो दोस्तों यह है कि पिछले एक साल से बॉलीवुड की कोई भी मास एंटरटेनिंग फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हुई, तो सभी ऑडियंस चाहती है कि एक मास एंटरटेनिंग फिल्म को हम बड़े पर्दे पर देखें। और अगर उनके सामने सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्म रिलीज होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी मात्रा में पब्लिक इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जरूर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म में अक्षय कुमार का हमें पुलिस वाला अंदाज देखने को मिलेगा, जो कि राउडी राठौड़ के बाद सूर्यवंशी में अक्षय कुमार नजर आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म में सिंघम ब्रांड यानी कि अजय देवगन का कैमियो भी है। जी हाँ दोस्तों हम सब जानते हैं कि अजय देवगन वैसे तो सभी के फेवरेट है, लेकिन अजय देवगन का जो कैरेक्टर है सिंघम वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे सूर्यवंशी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बूस्ट मिलेगा सिंघम ब्रांड के नाम से भी। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में रणवीर सिंह का कैमियो भी है, तो यहाँ पे सूर्यवंशी फिल्म को बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव साइड्स मिले हैं जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ओपनिंग तो लेगी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि
सूर्यवंशी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4,500 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है। तो दोस्तों, अगर 4,500 स्क्रीन पर सूर्यवंशी फिल्म रिलीज होती है और सूर्यवंशी फिल्म रिलीज होने तक अगर महाराष्ट्र में जो नाइट के टाइम का कर्फ्यू है वो ख़त्म हो जाता और लोगों के बीच से कोरोना वायरस का डर पूरी तरह से निकल जाता है, तो यहाँ पर सूर्यवंशी फिल्म रिलीज होते ही अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कम से कम, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। तो दोस्तों, एक तरह से देखे जाए तो राधे भी अपने पहले दिन 30 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर सकती है, वही सूर्यवंशी भी अपने पहले दिन 35 करोड़ से ज़्यादा कमा सकती है। हालांकि दोस्तों, हम तो उम्मीद करते हैं कि सूर्यवंशी और राधे दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर हो, क्योंकि दोस्तों पिछले एक साल से सभी सिनेमा लवर्स इंतजार कर रहे हैं कि फिर से बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो और हाउसफुल के बोर्ड सिनेमाघरों के बाहर देखने को मिले। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सूर्यवंशी हो या राधे हो या सत्यमेव जयते 2 हो, आप हर फिल्म को सपोर्ट कीजिए। जो फिल्म अच्छी हो उस फिल्म को देखने जरूर जाए, ताकि बॉलीवुड के आने वाले दिनों में सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई करके सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होती रहे। बाकी दोस्तों, सूर्यवंशी और राधे में आपको किस फिल्म का सबसे ज़्यादा इंतजार है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।